आज हम पांचवी कक्षा का चौथा पाठ ईवीएस की किताब में से खाएं आम बाहर बारहों महीने, बारहों माने बारह महीने है ना। तो बारह महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं? बारह। शाबाश। बारह महीने में हम क्या खाएं? आम। तो क्या हम पूरा साल आम खाते हैं? खाते हैं, लेकिन अलग अलग तरह से। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस किस तरह से हम आम को 12 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब यहाँ पर तीन बच्चे हैं, नीतू, अमन और प्रीति। अब ये स्कूल में डिब्बा लेकर आए हैं अपना खाने का। तो ये क्या बच्चे बोल रहे हैं? अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है, नीतू आलू की सब्जी लाई है, मैं भिंडी लाई हूँ। अब यहाँ पर जब उन्होंने डिब्बा खोल कर उसमें से देखा तो सबका मुंह जो है वो बन गया, बेचारे उदास हो गए। नीतू, लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं। हाँ, इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब न हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। अब इसमें प्रश्न है जो ऊपर वार्तालाप बच्चों ने की है, बातचीत की है, उससे प्रश्न है तीन। अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं? तो अमन को क्यों लगा होगा? हाँ जी, जब सब्जी खराब हो जाती है तो क्या होता है, उसमें से बदबू आने लग जाती है, खट्टी खट्टी स्मेल आने लग जाती है ना। आलू से खराब बदबू आ रही थी, इसलिए अमन को लगा कि आलू खराब हो गए हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया है? हाँ जी, मैंने कई बार घर में खाने को खराब होते हुए देखा है। जब खाने से खराब बदबू आने लगे तो हमें समझना चाहिए कि खाना खराब हो गया है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया, तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खाना खा लेती तो क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया क्योंकि आलू खराब हो गए थे, यदि नीतू वह खा लेती तो बीमार हो जाती। हाँ जी, क्या आपने सुना है कि कोई खाना खाए और बीमार हो जाए? जी हाँ, अक्सर जब हम बाहर खाना खाते हैं, बाहर से लाकर खाना खाते हैं, या बासी पड़ा कभी भोजन खा लिया, या शादी में खाना ज़्यादा खा लिया, तो उससे अक्सर जो है पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है और उसी को फूड पॉइजनिंग कई बार बोल देते हैं डॉक्टर की फूड पॉइजनिंग हो गई। तो खाने से भी हम बीमार हो सकते हैं। रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीज़ें चुन कर लिखें जो दो तीन दिन में खराब हो सकती हैं। हाँ जी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी खराब हो जाएंगी? दूध, दही और हरी सब्जियाँ। दही से, दही जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। हफ्ते भर तक खराब नहीं होंगी, आलू, प्याज और लहसुन, ये हफ्ते भर से ज़्यादा चल सकता है। महीने भर तक खराब नहीं होंगी, हाँ जी, आटा, चीनी, तेल, घी है ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम ज़्यादा देर तक इस्तेमाल रख सकते हैं कि बाद में इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। हाँ जी, तो जो सूची मैंने बनाई है, मेरे दोस्त की भी वही सूची है, मेरे दोस्त की और मेरी सूची एक ही समान है। क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी, क्या बदलेगी? हाँ जी, मौसम के अनुसार हमारी सूची जो है वो बदलती रहेगी। नहीं, हमारी सूची हर मौसम में बदलती रहती है। गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है, जबकि सर्दियों में खाना जल्दी खराब नहीं होता। हाँ जी, और बारिशों के मौसम में जब वर्षा ऋतु आ जाती है तब भी जो हमारा खाना है वो जल्दी खराब हो जाता है। तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? हाँ जी, जब खाना खराब होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम? कूड़ेदान। खाना खराब खाने को हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। बीजी ने लौटाई ब्रेड। हाँ जी, अब हम यहाँ पर ब्रेड की तस्वीर दी गई है, इसको हम ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको ब्रेड में कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ी है? हाँ जी, क्या गड़बड़ी है? ये देखो, यहाँ पर हरे हरे स्पॉट्स हैं, कुछ खराबी नज़र आ रही है ना, धब्बे धब्बे से लग रहे हैं कि कुछ
यहाँ पर है। आपके पास EVS की किताब होगी, आप अपनी किताब खोलकर भी जांच सकते हैं, देख सकते हैं। अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। अब क्वेश्चन है, क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? हाँ जी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ब्रेड में ये देखो यहाँ पे हरे हरे धब्बे दिख रहे हैं, है ना, कुछ गड़बड़ी तो नज़र आ रही है। तो तस्वीर में पैकेट पर हरे हरे धब्बे हैं, जिसे देखकर बीजी ने पैकेट लौटा दी। अब उसके बाद है, खाने की किन्हीं दो तीन चीज़ों के पैकेट देखो। अब तुम्हारे पास कुरकुरे, बिस्किट या सब दालों के, नमक का, मिर्च का कोई पैकेट होगा घर में, तो उसको आप जांच सकते हो, देख सकते हो, है ना। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? तो हम पैकेट में क्या क्या देख सकते हैं? पैकेट पर दी गई जानकारी से उस सामान के बनने की तिथि तथा, तिथि माने तारीख कि वो कब बना है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है उस पर, तथा उसके मूल्य का पता चलता है कि वो कितने रेट का है। उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट जिसे बोलते हैं हम, पैकेट पर सामान का वजन कि वो कितने ग्राम का है, किलो का है ना, उसमें इस्तेमाल हुई सामग्री का भी पता चलता है कि वो किस चीज़ से बनी है। अब जैसे जूस है तो वो किस चीज़ का जूस है और उसमें क्या क्या डाला है, शुगर डाली है, आम का जूस है तो वो उसमें मैंगो है, तो ऐसे उसमें लिखा पड़ा होता है। जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हो? हाँ जी, तो हम कौन सी जानकारी देखेंगे पैकेट पर? मैं बाजार से कोई सामान खरीदते समय उसकी बनने की तिथि, उसका वजन तथा उसका मूल्य देखती हूँ या देखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ब्रेड दिखाई गई है और ब्रेड पर खाना कैसे होता है खराब, प्रयोग, ये बच्चों ने प्रयोग किया है। पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करे, रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े लें। अब उन्होंने क्या किया, एक ब्रेड ले ली और उस पर कुछ जो बूंदे हैं वो पानी की डाल दी और उसको छोड़ दिया देखने के लिए कि पहले दिन में क्या होता है। पहले दिन में तो चलो कुछ नहीं होगा ना, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो दूसरे दिन में क्या होता है, तीसरे दिन में क्या होता है, हल्की हल्की फफूंद सी, फंगस सी उठनी शुरू हो जाती है, तीसरे दिन क्या होगा, चौथे दिन क्या होगा ना, तो ऐसे हरे हरे धब्बे जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, कितने बड़े हो जाएंगे, कहाँ कहाँ हो जाएगा, है ना, ये सब जो है बच्चे ने तालिका में भरना है, भरा है, है ना। ये क्लास की एक्टिविटी है, आप भी अपने घर में ये देख सकते हो करके। पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है, ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी? हाँ जी, जैसे मैंने बताया कि अगर उस पर पानी लग जाए, ठीक है, या वो डेट पुरानी हो जाए तो उस पर फफूंदी लग सकती है। ये बदलाव ब्रेड के सड़ने के कारण आई है। हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी खराब होता है तो कुछ देर से। खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी खराब हो सकता है, उसकी सूची बनाओ। हाँ जी, तो खाना किन स्थितियों में जल्दी खराब होगा? खाना गर्मियों और बरसात में अधिक खराब होता है। निम्नलिखित कारणों से खाना जल्दी खराब होता है। पहला, दूध को अच्छी तरह से नहीं उबालने पर दूध खराब हो जाता है। दो, नंबर दो, खाना को ढक कर नहीं रखने पर। नंबर तीन, हरी सब्जियों को गर्म जगह पर रखने पर। नंबर चार, अचार को नमी से नहीं बचाने पर, तो उसमें अचार में भी फफूंदी जो है, फंगस जो है वो लग जाती है, अचार जो है वो चिटा चिटा सा हो जाता है, दिखने लगता है। उसके बाद ये एक तालिका दी गई है। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हें एक दो दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय, खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करो। तो ये चीज़ें हैं और ये घरेलू उपाय है। तो पहला खाने का चीज़ है दूध, तो हम घरेलू उपाय क्या है, सबसे पहले हम दूध को उबालते हैं।
पके हुए चावल, उनको हम कैसे कर सकते हैं? एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखकर, हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, ठीक है। प्याज और लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर, नमी नहीं लगनी चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर दो बच्चे हैं, भाई हैं, उन्होंने कैसे मामीड़ी तांड्रा बनाया। मामीड़ी तांड्रा जो है वो उनकी भाषा में है और हम उसको क्या बोलते हैं, आम पापड़। क्या बोलते हैं? आम पापड़। तो और उनकी भाषा में उसको बोलते हैं मामीड़ी तांड्रा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामीड़ी तांड्रा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं तो उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। हाँ जी, वो कच्चे आम माने अंबियों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, कच्चे आम की बात कही है, कैरी की या अंबियां जिनको बोलते हैं हम। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती है। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती है। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आम आने तक। तो अगले मौसम में जब आम आते हैं, तो जब अगले मौसम में आम आते हैं तो वो फिर से उन आमों को अचार या और तरीकों में इस्तेमाल कर लेते हैं। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामीड़ी तांड्रा या आम पापड़ बनाओ ना। फिर अप्पा ने कहा, हाँ जी, जो अम्मा है वो वहाँ पर माँ को बोला जाता है और अप्पा किसको बोला जाता है? पिताजी को, ठीक है, आपके पापा को, जैसे आप अप्पा बोलो उनकी भाषा में। अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामीड़ी तांड्रा या आम पापड़ बनाएंगे। हाँ जी, कितना? 4 हफ्तों का, ठीक है, 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, मतलब बहुत मेहनत लगेगा और बहुत समय लगेगा। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहां से चटाई, कैंजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। अब यहाँ पर हमें तस्वीर में देखो, पहली तस्वीर में क्या हो रहा है, पहली तस्वीर में वो आम तोड़ रहे हैं ना पापा को लेके, कि हाँ चलो देखो कितने सारे आम हैं। फिर वो सामान चटाई डंडे लेकर आए, फिर उन्होंने क्या किया, आम का गूदा निकाल रहे हैं, है ना। और फिर वो देखो चटाई उन्होंने पेड़ के साथ एक खुंजे में बांध दी है और उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें मामीड़ी तांड्रा की लेयर जो है एक परत के ऊपर दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत ऐसे लगाएंगे। और फिर जब 4 हफ्तों बाद मामीड़ी तांड्रा बन गया तो वो उसको आनंद से मज़े से खा रहे हैं। तो इसमें यही बताया है कि वो कैसे बनता है ना। अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ दिन भर अच्छी धूप आती हो। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया, ये जैसे बना हुआ है मचान। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी है। देखो रस्सी की सहायता से चटाई जो है वो बांधी है। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज्यादा पके हुए आम अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला, फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेशे न रहें। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छी तरह अच्छे से ताकि उसमें बिल्कुल गांठ ना रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी, फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। अब क्यों ढक दिया? ताकि उसके ऊपर कुछ मिट्टी धूल या कीड़े मकोड़े आके ना बैठे। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला,
उसमें चीनी गुड़ डाला, फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसे ही कई परतें जमाई। अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश न हो जाए। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकाल कर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। चिन्ना बाबू बोले, वाह मजा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें। हाँ जी, तो जब हम खुद अपनी कोई चीज़ बनाकर खाते हैं तो उसका स्वाद जो है हमें और भी ज़्यादा आता है। अब इसी से जो कहानी हमें बताई गई दो बच्चों की आम पापड़ बनने की, तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया गया? हाँ जी, आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर मामेड़ी तांड्रा बनाया जाता है। हाँ जी, क्योंकि आम पापड़ बनाया जाता है, उसको इसलिए वहाँ पे सुखाया गया। बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छाटे? बाबा ने पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए आम इसलिए छाटे क्योंकि पके हुए आम से पके हुए आम में रेशे कम होते हैं। रेशे माने बाल, बाल जो होते ना, कई बार आम में बाल दिखते हैं हम जब हम उसको खाते हैं तो। वो भाइयों ने मामेड़ी तांड्रा कैसे बनाया, अलग अलग चरण समझाओ। हाँ जी, अब इसमें कैसे उन्होंने बनाया उस विधि को हमने बताना है। भाइयों ने मामेड़ी तांड्रा बनाने के लिए सबसे पहले बाजार से चटाई, केंजुई, रीना के पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीदी। उसके बाद अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां अच्छी धूप आती हो। वहां भाइयों ने डंडों से एक मचान बनाया। उन्होंने इस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी, पके हुए आम से गूदा निकाला, फिर गूदे को छाना, उसमें गुड़ और चीनी मिलाकर इस गूदे की एक पतली परत चटाई पर फैला दी। 3-4 दिनों तक यही प्रक्रिया दोहराई गई। 1 सप्ताह में मामेड़ी तांड्रा तैयार हो गई। हाँ जी, जो मामेड़ी तांड्रा है उसको आप कितना मोटा बनाना चाहते हो या पतला ही रखना चाहते हो उस विधि से कर सकते हैं। तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं? हाँ जी, तो मेरे घर में क्या क्या बनाते हैं हम? मेरे घर में कच्चे आम से अचार, पन्ना, चटनी तथा पके आम से आम का शरबत, मामेड़ी तांड्रा आदि बनाते हैं। मिल्क शेक है ना, मिल्क शेक भी आप लोग बड़े मज़े से, उसमें आइसक्रीम भी डाल लेते होंगे कभी कभी, तो गर्मियों में वो बड़ा मज़ेदार लगता है। तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है? सूची बनाओ तथा कक्षा में साथियों से उस पर बातचीत करो। हाँ जी, तो आप बच्चे आपस में बातचीत कर सकते हो। हमें आंवला, आम, नींबू, कटहल, मिर्ची तथा अदरक के अचार के बारे में पता है, तो आप अपने आस पड़ोस में बच्चों से बात करो, क्या पता उनके घर में कुछ और तरह से भी आम अचार जो है वो किन्हीं और चीज़ों का भी बनता हो, तो आपको नई जानकारी मिलेगी। क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है? कौन सा अचार कौन बनाता है? उन्होंने यह तरीका किससे सीखा? तो मेरे घर में मेरी दादी अचार बनाती है। वे आम, आंवला, नींबू तथा कटहल का अचार बनाती है। उन्होंने यह तरीका अपनी माँ से सीखा। हाँ जी, ये जो तरीके होते हैं अचार बनाना या कुछ भी खाना बनाना, जो गृहणियाँ हैं, जो तुम्हारी मम्मियाँ हैं और तुम्हारी दीदियाँ हैं बड़ी बड़ी, वो अपनी मम्मा से ही सीखती हैं, है ना? तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? अचार बनाने का क्या तरीका है? तो किसी एक तरह के अचार के बारे में हमें बताना है, ठीक है?
तो मेरे घर में आम के अचार बनाने में धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मिर्ची, हल्दी, नमक तथा तेल का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आम काट कर धोया जाता है, फिर इसमें हल्दी और नमक डालकर धूप में सुखाया जाता है, फिर उसमें मसाला मिलाकर और तेल डालकर धूप में सुखाया जाता है। तेल अक्सर ज़्यादा ही डाला जाता है ताकि जो अचार है वो तेल में डूबा रहे और सुरक्षित रहे, है ना। पापड़, चटनी, बढ़िया, सॉस आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनाते हैं? मेरे घर में तरह तरह के पापड़, चटनी, बढ़िया आदि बनाई जाती है। पापड़ उड़द के दाल को पीसकर, मसाले मिलाकर, बेलकर और धूप में सुखाकर बनाया जाता है। धनिया की चटनी सिल पर पीसकर बनाई जाती है। हाँ जी, इसको हम मिक्सी में भी बना सकते हैं, है ना। जैसे आपके पास कुछ हो तो आप उसी तरह से बना सकते हो। सिल की सिल है तो उस पर पीस कर, और अगर मिक्सी है तो उसमें, है ना। बढ़िया, यह उड़द के दाल को पीसकर और उसमें मसाले मिलाकर बनाई जाती है। उसके बाद है पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे? उसको पैक कैसे करोगे? सब मिलकर करें, है ना। तो अगर हम अक्सर घूमने कहीं जाते हैं या हम अपने गांव जाते हैं तो 2-3 दिन लगते हैं, तो हम उसमें क्या क्या लेकर जाएंगे? तो मैं क्या लेकर जाऊंगी? मैं 2 दिनों के सफ़र के दौरान बिस्किट, केक, के कौन सा, जो ब्रिटानिया के केक आते हैं ना, क्रीम वाले केक नहीं, ब्रिटानिया का केक जो ऐसे सूखे केक आते हैं ना, वो, उनकी बात हो रही है। फल, मेवा तथा पूरी सब्जी ले जाना पसंद करूंगा या करूंगी। पूरी सब्जी सबसे पहले खाऊंगी या खाऊंगा, क्योंकि पूरी सब्जी सबसे पहले ख़राब होगी, है ना, पहले ख़राब होती है तो इसलिए पहले मैं उसको खाऊंगा। फिर फल, बिस्किट तथा केक खाऊंगा, क्योंकि वो 2 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद है हम क्या समझे। तो हम इस लेसन में, इस पाठ में हमने क्या समझा? शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है? उसमें क्या हुआ था ब्रेड को? हाँ जी, उसमें फफूंदी लग गई थी, वो हरी हो गई थी, ख़राब हो गई थी, है ना। तो अगर हम अचार की शीशियों को भी रखेंगे तो क्या होगा? अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी, फफूंदी लग जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। हाँ जी, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है, नारियल का खोपा, जो सख्त नारियल होता है, गिरी जो होती है उसको खोपा जो है, खोपे को कद्दूकस करके हम खीर में, हलवा में डालते हैं, तो खोपा बना लिया जाता है। खोपा जो है जल्दी ख़राब नहीं होता, है ना। कटहल, मिर्च, लहसुन और भी कई चीज़ों का क्या कर लेते हैं आदि के